यूपी में गणतंत्र दिवस को देखते ही पुलिस प्रशासन अलर्ट है। इसी के तहत आज बांदा रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और भीड़भाड़ वाले इलाकों में पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान चलाया है। पुलिस के साथ आरपीएफ, जीआरपी और डॉग स्क्वाड की टीम ने स्टेशन में यात्रियों की चेकिंग की। पुलिस लगातार संदिग्ध व्यक्तियों की तलाश में लगी हुई है। आपको बता दें कि 26 जनवरी के पहले पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, बाजार, होटल और रेस्टोरेंट में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। पुलिस अधीक्षक अभिनंदन की अगुवाई में सभी स्थानों पर चेकिंग की गई और स्टेशन पर यात्रियों को पुलिस और डॉग स्क्वाड ने चेक किया। वहीं भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर भी पुलिस की पैनी नजर है, ताकि संदिग्ध व्यक्ति पर नजर रखी जा सके। इसके अलावा बाजार, मंदिर और मस्जिद के आसपास के इलाके भी चेकिंग अभियान चलाया गया। लोगों के सामान की तलाशी ली गई। पुलिस अधीक्षक अभिनंदन का कहना है कि 26 जनवरी में सुरक्षा के तहत चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज बांदा के रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, मुख्य बाजार, होटल और रेस्टोरेंट में चेकिंग की गई, ताकि किसी भी संदिग्ध वस्तु या संदिग्ध व्यक्ति के मिलने पर उस पर कार्रवाई की जा सके। गुल मोहम्मद, बांदा की रिपोर्ट। ये कल 26 जनवरी है, तो उस दृष्टिगत हम लोग लगातार जो हमारी डॉग स्क्वाड की टीम है, BDDS टीम है, उसको लेके सभी अधिकारी फोर्स के साथ हम लोग यहाँ रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, होटल, ढाबे और जितने भी क्राउडेड जगह हैं उन सभी की हम लोग व्यापक तरीके से चेकिंग कर रहे हैं, ताकि कोई भी संदिग्ध तरह की वस्तु हो, कोई संदिग्ध व्यक्ति हो, उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। और कल जो 26 जनवरी का पर्व है वो बिल्कुल सकुशल और सुरक्षित ढंग से हम लोग मना सकें। चेकिंग हो चुकी है, लेकिन लगातार होटल, ढाबों और मार्केट की चेकिंग तो चल ही रही है, रेलवे स्टेशन की भी चेकिंग लगातार चल रही है, आरपीएफ और जीआरपी को भी हम लोगों ने अपने साथ रखा है, सभी लोग चेकिंग कर रहे हैं। अभी इसी क्रम में हम लोग अभी रेलवे स्टेशन पे हैं और आगे भी जो बस स्टैंड वगैरह हैं उनकी चेकिंग कराई जाएगी।